क्या 14 वर्ष बाद केवल राम ही आए थे? क्या उनसे ज्यादा कष्ट सहने वाली मेरी माँ सीता नहीं लौटी थी? भारतेश्वरी माता वापस नहीं आई थी? क्या अयोध्या को उनके आगमन पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए था? इसलिए मैंने राम पर गीत लिखा। मैंने लिखा कि लंका में रावण की पराजय के बाद विभीषण के अतिथि गृह में संध्या के समय जब पहली सांझ बिताई भगवान राम ने और सीता ने एक साथ, तो शाम के समय भगवान ने माता के मुख की तरफ देखा। यहां विवाहित लोग बैठे हैं, शादी को 25-30 साल हो जाएं तो भाषा गायब हो जाती है, संकेत प्रमुख हो जाते हैं। शाम के समय बैठे बैठे अचानक पति यूं करके देखता है और पत्नी नीचे फोन कर देती है, रसोइये को कॉफी बना लाओ। आदमी कुछ हाथ से ढूंढ रहा होता है और पत्नी चश्मा ला के दे देती है कि लो इसे ढूंढ रहे थे। प्रेम पग जाता है, अस्तित्व में रच बस जाता है। तो राम जी ने सीता जी की तरफ देखा, सीता जी ने अपनी आंखों से जो कहा होगा मैं उसे गीत बनाकर सुना रहा हूं। हजारों लोग पीछे तक सुन रहे हैं, गंगा की लहरें सुन रही हैं। इस सौभाग्य पर इतराइए और मेरे साथ गाइए। आज तक राम की कहानी सुनी होगी जमीन पर बैठकर, ये पहली बार हो रहा है कि माँ गोदी में बैठकर आपको सुना रही है गंगा गोदी। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में हमने उम्र खपाई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। जो राम के साथ जीवन बिता रही हूं उनको क्या कष्ट है, लेकिन दोनों कष्ट में है। लंका में न राम खुश हैं जीतने के बाद, ना मेरी माँ खुश है। शाम के समय लक्ष्मण पूछते हैं कि भैया पूरे विश्व में आपका यश फैल गया है, माँ आपके पार्श्व में है, हनुमान चरणों में है, मैं प्रणाम में खड़ा हूं, चेहरा इतना म्लान क्यों है? घट रामायण में श्लोक आता है, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जिस माता की तीनों बहनें उसकी द्योरानी बन गई हो, मांडवी शुद्धकीर्ति और उर्मिला, उसे सरयू के किनारे बसी हुई अवधपुरी याद तो आती होगी। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, सरयू के तट बिलख रहे हैं, सरयू के बिलख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं, सासे देवर संग सहेली, सासे देवर संग उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली, साथ तुम्हारे सुख पर सापर, साथ तुम्हारे सुख पर सापर, अवधपुरी की मुझको निस दिन यादें बहुत सताई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। राम मन गए तो किस लिए गए? इसलिए कि देवता चाहते थे, दुनिया चाहती थी, लेकिन इस भारत की महिलाओं का चरित्र माता सीता की कहानी से प्रभावित है। ये जितने व्यापारी बैठे हैं अपनी पत्नियों के साथ, इस वाले प्लॉट को बेच देने में फायदा है जी, जरा सिग्नेचर कर दो, सिग्नेचर
सिग्नेचर कर देती है। इस वाले शेयर को बेचने में फायदा है, सिग्नेचर कर दो, सिग्नेचर कर देती है। इस वाले को खरीदने में फायदा है, सिग्नेचर कर दो, सिग्नेचर कर देती है। किसी ने नहीं पूछा, पता ही नहीं। पति जो कर रहा है ठीक ही कर रहा होगा, पत्नी जो कर रही है घर में वो ठीक ही कर रही होगी। इस लोक मंगल की धारणा के कारण ही भारत का दाम्पत्य जीवन माँ सीता और राम की कहानी से प्रेरित होता है। देवों का दुनिया का सपना, देवों का दुनिया का सपना, तुमने मान लिया था अपना, तुमने मान लिया था अपना। ये सीता कह रही है। देवों का दुनिया का सपना, देवों का मान दिया था अपना, तुमने मान लिया था अपना, पर मेरी सांसों ने माना, पर मेरी सांसों ने माना, केवल नाम तुम्हारा जपना, केवल नाम तुम्हारा जपना। शंका तो किसी बात पर कर लो, मेरे को जहाज में मिल गया एक, दिल्ली में तो बड़े ज्ञानी है साहब, आप लोग तो बच गए। इतने सारे ज्ञानी है कि हमने घेर के उनका विश्वविद्यालय बना रखा है। एक मुझे प्रोफेसर मिला, वो मुझसे कह रहा था जहाज में मिल गया, होगा 30-32 साल का, बोला साहब आप अच्छे खासे आदमी थे, ये राम वाम पे क्यों बोलने लगे। मैंने कहा भैया राम वाम नहीं होता, राम इधर है वाम तू है, अलग अलग है दोनों, मैं राम पे बोलता हूं। बोले कि आपके राम इतने ना समझते कि सोने के हिरन के पीछे चले। मैं चुप रह गया, मैंने कहा मूर्ख है। इतने बीच में वो खाना देने वाली कन्या आ गई, व्योमवाला एयर होस्टेस, तो पीछे से उसका छोटा बच्चा आया, उसकी पत्नी पीछे बैठी थी सास के साथ, 1.5 साल का बच्चा था। उसको लघुशंका जाना था, टॉयलेट जाना था, उसने अपने बाप से कहा पापा चूचू आ रही है, तो उसके बाप ने उसी भाषा में बोला अच्छा मेले बेटे को चूचू आ रही है। तो मैंने उससे पूछा कि आप इसी भाषा में क्लास पढ़ाते हो क्या। बोले नहीं नहीं ये तो मैं इसका मन रखने के लिए अभिनय कर रहा हूं। मैंने कहा तू अपनी औलाद का मन रखने के लिए अभिनय कर सकता है, तो हमारा बाप भी जब पृथ्वी पे आया तो हमारा मन रखने के लिए अभिनय किया और सोने के हिरन के पीछे भागा। पर मेरी सांसों ने जाना, पर मेरी सांसों ने केवल नाम तुम्हारा जपना, केवल नाम तुम्हारा जपना। भाग्यहीन जग कुछ भी माने, मैं जानी या बस तुम जाने, सोने के माया मृग पीछे, सोने के माया मृग पीछे, प्रभुता क्यों बोराई। चलो मंद पढ़ रहा हूं इस कविता का, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। ये सवाल इस देश की व्यवस्था से, इस देश के बुद्धिजीवियों से पूछा जाना चाहिए था, लेकिन लोग अपनी अपनी पार्टियों के हित में उलझे रहे, वोट बैंक साधने में उलझे रहे। 75 वर्ष यह सवाल पड़ा रहा, तब जाकर भगवान अपने मंदिर में वापस लौटे। इस सवाल को पूछने में लोगों की जबान लड़खड़ाती है कि एक नदी में नहाने के लिए शुल्क क्यों लगाया गया। यहां दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह के वंशज मुझे दिखाई दे रहे हैं, पगड़ीधारी सिख। इनका पुरुषार्थ और पराक्रम इतना अद्भुत है, पूरे विश्व में एक गुरुद्वारा ढूंढकर ला दीजिए जो किसी दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाया गया।
24 तीर्थंकर क्षत्रियों के जिस जैन समाज में हुए, एक जिनालय ढूंढ कर ला कर दीजिए जो दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाया गया। ये आप किस तरीके से सोचते हैं हुजूर, रेगिस्तान से आकर ऊंट पर बैठकर, कि वर्चस्व के लिए पहला काम यही है कि आप दूसरे के मंदिरों को तोड़ दें। जब भगवान का विग्रह प्रकट हुआ अयोध्या जी में और उद्घोषक जी ने बताया, चंपत जी भाई साहब ने कहा कि भगवान के माथे पर जो टीका लगा हुआ है ये सूरत के हीरा व्यापारियों ने भेजा है और इसमें लगे हुए हीरो हीरे 150 करोड़ की लागत के हैं। भगवान के गले पे जो मणियों की श्रृंखला है ये बंबई के व्यापारियों ने बनाकर भेजा है, इसकी 400 करोड़ कीमत है। ये जो 7 दरवाजों पर सोना मढ़ा है ये 600 करोड़ है। तो मेरे मन में केवल एक बात आई कि आज से 500 साल पहले जिस जाहिल ने ये सोचकर ये मंदिर तोड़ा था कि हिंदुओं के मंदिर से हीरे जवाहरात मिलेंगे, उन्हें लूट कर हम अमीर हो जाएंगे, बगदाद पार के वो जाहिल आज भी गधे पर सवारी कर रहे हैं और मेरे राम के मुकुट में हजारों के हीरे टंगे हैं। तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए। ये मेरी माँ सीता पूछ रही है मेरे पिता राघवेंद्र सरकार से, तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए। कहाँ किसी के भवन गिराए, कहाँ किसी के भवन गिराए। फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, फिर क्यों जग के हम दोनों के धाम डहाए, हम दोनों के धाम डहाए। 5 सदी तक सब व्याकुल थे, 5 सदी तक सब व्याकुल थे। तुम उनके दुख में आकुल थे, आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने, आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने कैसी अवध सजाई। चलो अब अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई। नाच रही है दुनिया सारी, नाच रही है दुनिया सारी, नाचे तीनों भाई अवध में। भगवान की जय।